अभी हम जिस ट्रेन से चल रहे हैं ये रामेश्वरम मदुरई पैसेंजर ट्रेन है, सॉरी आजकल पैसेंजर ट्रेन तो नाम नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेन है। ये 2:540 से चलती है, 9:45 पहुँचती है मदुरई। अभी हम पंबन ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। ये पंबन ब्रिज हमारा एक ऐतिहासिक ब्रिज है। 1964 में साइक्लोन में ध्वस्त हो गया था, फिर उसके बाद इसे दोबारा बनाया गया। ये सदर्न रेलवे में आता है और ये हमारे इंडिया के मेन लैंड को रामेश्वरम आइलैंड से जोड़ता है। अभी आप जो जिस ब्रिज को देख रहे हैं ये एक नया ब्रिज जिसे बनाया जा रहा है। जिस ब्रिज पर हमारी ट्रेन चल रही है वो पुराना ब्रिज लगभग 60 साल का होने वाला है, 1964 में बना था और ये 2022 है। अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं ये एक वर्टिकल लिफ्ट उसे इसलिए बनाया गया है यहाँ पर, जब कोई शिप आता है उसे क्रॉस करना होता है तो इस वर्टिकल लिफ्ट में से ब्रिज को ऊपर उठाया जाता है और शिप क्रॉस हो जाते हैं। अभी आप जितने पिलर देख रहे होंगे तो अभी आप जो ये जो सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर से लेके दूसरे स्ट्रक्चर के बीच में आपको काफ़ी गैप दिख रहा होगा। जो आप अभी आप देख रहे हैं इस गैप से ही शिप को क्रॉस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से नया वर्टिकल लिफ्ट बनाया जाएगा जो नए ब्रिज से बनेगा। अभी आप नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। अभी मैं आपको कुछ उस ब्रिज के बारे में बता रहा हूँ जो ब्रिज 1964 में ध्वस्त हो गया था। अभी थोड़े देर में आप जो ये मलबा टाइप का देख रहे हैं ना, ये जो टूटे हुए पिलर जो देख रहे हैं, ये वो पिलर ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये हमारे उस ऐतिहासिक ब्रिज का हिस्सा है जो 1964 में ध्वस्त हो गया था। ये बहुत पहले बनाया गया था, 1964 में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन की वजह से ये पुराना ब्रिज ध्वस्त हो गया था। देखिए टूटा हुआ हिस्सा, और ये देखिए अभी भी ये सुबह के 6 बज रहे हैं। देखिए लेकिन काम स्टार्ट हो गया है। अब मुझे नहीं पता कि काम रात से चल रहा है कि अभी सुबह स्टार्ट हुआ। यहाँ तक मेरा मानना है कि ये स्टार्ट रात भर चलता है, क्योंकि नहीं सुबह उठ के कोई काम तो करता नहीं होगा। ये लग रहा है रात वाले शिफ्ट वाले ही काम कर रहे हैं, और इस कंपनी का बोर्ड उस पर लगा हुआ है, ITD सीमेंटेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बना रही है। देखिए भारतीय रेलवे के स्वर्णिम इतिहास में जो वो ब्रिज जो जिस पर हम चल रहे हैं, और एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, मैं इस ब्रिज को बनते हुए देख रहा हूँ। मैं इतना दूर आया हूँ, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। रामेश्वरम एक धार्मिक नगरी है और इसका क्या इतिहास है हमारे समाज में, ये आप बताने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। बच्चा हमारा जानता है रामायण के इतिहास को, प्रभु श्री राम यहाँ पे आए थे और उन्होंने ब्रिज के तो इसे आप लोग इंजीनियरिंग का एक नया तोहफा भी समझ सकते हैं। बे ऑफ बंगाल के ऊपर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी समुंदर, जैसे कि अरेबियन सी होता है यानी कि हिंद महासागर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा, प्राकृतिक नज़ारा। ITD सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड जो कंपनी का नाम है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और सुबह के वक्त का ये नज़ारा है। तो इंजीनियरिंग का एक नया तोहफा है, एक नया नमूना है।
नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको बनाया जा रहा है, और जिस ट्रैक पर हमारी ट्रेन चल रही है वो भी एक इंजीनियरिंग का नया तोहफा है, लेकिन इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे मुंबई में वर्ली सिंक बनाया गया था समुंदर के ऊपर। क्योंकि थोड़ा सा मौका मिला मुझे, गैप मिला बोलने का, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ। देख सकते हैं काम चल रहा है, दिन रात चल रहा है विश्वजीत भाई के अनुसार, और मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे भी इनके वीडियो के सहारे ये दृश्य देखने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई। अब आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। चल रहा है जो एग्जिस्टिंग संबल ब्रिज है, ये जो ब्रिज आप तो वीडियो में देख रहे हैं ये एग्जिस्टिंग ब्रिज के बाएं साइड में है। एक सड़क ब्रिज भी है तो रेलवे का एग्जिस्टिंग ब्रिज ट्रेन चल रही है उसके दाएं साइड पे, वो रोड ब्रिज है और दूसरे साइड में है। क्या नज़ारा है, सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं और समुंदर के ऊपर बना हुआ है ब्रिज। फिर अब बंगाल की खाड़ी से आती हुई हवाएं, ये देख आपको शायद ना दिखाई दे, नीचे हमारे जो पिलर दिखाई देते हैं पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, तो थोड़ा सा हमें सिरा दिखाने की कोशिश करती है। ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है ये डबल ट्रैक के लिए बनाया जा रहा है, अभी एक्चुअली सिंगल स्पैन लगाया जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में इसको डबल ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए जब से हमारे जो नया एग्जिस्टिंग ब्रिज है वो डबल ट्रैक के हिसाब से बनाया जा रहा है, इसमें दूसरा स्पैन भी डाल के एक नया ट्रैक भी डाला जा सकता है। क्योंकि रेलवे का अनुमान है कि रामेश्वरम में धीरे धीरे टूरिज़्म बढ़ेगा, और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे डबल ट्रैक हो। तो यकीनन बहुत ही रोमांचक ये सफ़र होता है जब कोई ट्रेन समुद्र के ऊपर बने पुल के ऊपर से गुजरती है, तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी पर ये बना हुआ पुल है, समुंदर है बंगाल की खाड़ी जैसे कि अरेबियन सी है, तो एक खूबसूरत सा नज़ारा। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोगों को भी मौका मिले तो आप लोग भी इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन का मज़ा जरूर लीजिएगा चलती हुई ट्रेन से। कॉशन दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस ट्रेन को गुजारने का। दक्षिण रेलवे के अंतर्गत ये सेक्शन आता है, और मेरी भी ख्वाहिश है कि ना एक बार मैं भी इस सेक्शन पर सफ़र करूं और इस पुल के ऊपर से गुजरूं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, क्योंकि मैं पहली बार अपने चैनल पर इस तरह का वीडियो अपलोड कर रहा हूं, और आप लोग भी इस सेक्शन पर सफ़र ज़रूर कीजिएगा। आपको एक फैक्ट बताना मैं भूल ही गया, डिस्कवरी चैनल पे जो वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम रेलवे करके एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जो 10th वर्ल्ड मोस्ट एक्सट्रीम रेलवे के नंबरों में है ये हमारा पंबन ब्रिज उसमें शामिल है। आप यूट्यूब पे उसे देख सकते हैं वर्ल्ड मोस्ट एक्सट्रीम रेलवे के डिस्कवरी पार्ट में, उसमें इसको शामिल किया गया हमारे पंबन ब्रिज, और ये बहुत मेहनत का काम है इसे मेंटेन करना। जो रेलवे के ट्रैकमैन और गैंगमैन ये रात दिन मेहनत करते हैं,
क्योंकि ये समुद्र का जो नमी होती है ना, आपको पता है कि बहुत जल्दी कोरिजन लगने का खतरा होता है। तो दिन रात इस ब्रिज पे रहते हैं। मैं आते वक्त एक बार ट्रैकमैन गैंगमैन को साइड में खड़े होकर देखा था, और कंटिन्यू मेंटेनेंस करते हैं, इसका कोरिजन हटाते रहते हैं। जैसे कोरिजन लगता है कहीं पे तो उसको चिपिंग करके हैमर से उसको चिपिंग करके उसे चिप करके हटाया जाता है, और हटा के उसे फिर पेंट किया जाता है। इस ब्रिज को मेंटेन करना बहुत मेहनत का काम है। और देखिए, ये हम उस पार्ट पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर नया ब्रिज की शुरुआत हो रही है। देखिए पंबन ब्रिज का ये साइन बोर्ड, पंबन ब्रिज देख सकते हैं। देखिए 10 का 10th का इस पे रिस्ट्रिक्शन है पुराने वाले ब्रिज पे। यह एक बॉटल नेक की तरह काम करता है ये 10th, इसीलिए बहुत जल्दी नए ब्रिज की जरूरत महसूस हुई। वीडियो में बस इतना ही। अब देखो ट्रेन एक्सलेट करती हुई, ब्रिज खत्म हो गया है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।